अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैथ 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। बहुत ही आसान है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका जो ड्यू डेट है वो है 26/11/2020। यहाँ मैंने लिख दी है, ये आज की डेट नहीं है, ये है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। और आपका जो है 10 मार्क्स का असाइनमेंट है मैथ 301 आपका है कैलकुलस, और असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया है, ठीक है। इसको जो है आपने हार्ड कॉपी में नहीं टाइप नहीं करना, सॉफ्ट कॉपी टाइप करना है मैट टाइप सॉफ्टवेयर पे। और उसको टाइप करने के बाद जो है आपने उसको कॉपी करके MS वर्ड फॉर्मेट में पेस्ट करना है, और MS वर्ड फॉर्मेट के फाइल आपको सबमिट करवानी है, ठीक है। तो उसी फाइल फॉर्मेट के अलावा आप किसी और फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को इस पर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ जो है हार्ड कॉपी पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और चलते हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फॉर द गिवन फंक्शन आपको फंक्शन दिया हुआ है W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू दी हुई है आपको, वेयर एक्स की वैल्यू ये है आर एस कॉस टी और वाई है आर एस साइन टी, और जबकि जेड है आर के इक्वल। तो बाय यूजिंग चेन रूल आपने चेन रूल अप्लाई करनी है। करना क्या है, इसमें दो पार्ट आपको दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आपको कहा हुआ है फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, और सेकंड में कहा हुआ है आप द फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यानी जो वैल्यू आपके पार्शियल डेरिवेटिव की आएगी तो उसमें आपने ही वैल्यू पुट करनी है। कौन सी डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी के अंदर कौन सी वी इक्वल टू आर क्या है, टू है, एस क्या है, वन है, टी इक्वल टू जीरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मुश्किल से 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझाऊंगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले याद रखना है यहाँ लिखा हुआ है बाय चेन रूल। चेन रूल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे देखें कन्वर्ट करें, डब्ल्यू भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड। आप लोगों ने मेरे मैथ 301 के लेक्चर लिए होंगे, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है कि इसका फार्मूला क्या है। तो अब इसका फार्मूला लिखते हैं, बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है, आपको याद हो तो। मैंने सबसे आप लोगों को पहले कहा था इसमें मांगे डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, लिख लेते हैं डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था अगर याद हो डावा डब्ल्यू ओवर टी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल देखने कितने यहाँ पर देखें एक्स वाई जेड, यानी 3 वेरिएबल लेंगे। अगर यहाँ होता है एक्स वाई तो हम 2 लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है कि हमने आँख बंद करके हमें आसानी की याद रखने के लिए, तो मैंने आपको बताया था डावा ओवर डावा डावा टी है, तो आप क्या करेंगे डावा डब्ल्यू ऐसे लिख लेंगे, और टी को ये मल्टीप्लाई, और टी को आप ले जाएंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देंगे, इसी जगह से ये भी करेंगे डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी प्लस डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला को आसान तरीके से रखने का, ठीक है। डब्ल्यू है डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, देखें डावा डब्ल्यू क्रॉस में हो गया, क्रॉस 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 डावा डब्ल्यू ओवर डावा डब्ल्यू डावा डब्ल्यू डावा डब्ल्यू डावा टी डावा टी डावा टी, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, देखें 3 वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स डी एक्स डी वाई डी वाई डी जेड डी जेड। तो अब देखिए हमारा पूरा फार्मूला आराम से बन चुका है, ठीक है। इसको चाहे तो आप इक्वेशन वन का नाम दे दें, या इसको आप कुछ भी नाम देते हैं, 2 पार्ट में काम आएगा, इस वजह से मैं इसको काटो मर्जी आप इसको इनका नाम दे दें, तो आपका फॉर्मूला आसानी से आपको याद हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आप इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें आप सब कुछ फाइंड हो गया, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था, ये फाइंड करना, तो इसका फॉर्म पता चल गया आराम से, ठीक है। आप हमें फाइंड करना है सारी चीज़ें, वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे लिए मुश्किल बात ही नहीं है। और फॉर्म में जब हमने पुट कर लिया हमारे लिए आसान हो गया। अब देखें डावा डब्ल्यू ओवर डावा एक्स डावा डब्ल्यू ओवर डावा वाई और डावा डब्ल्यू ओवर डावा जेड, हमारे पास अगर देखें तो डब्ल्यू किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, तो हमें इसी में सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या हमें क्या फाइंड करना है, डावा डब्ल्यू ओवर डावा एक्स डावा डब्ल्यू ओवर डावा वाई और डावा डब्ल्यू ओवर डावा जेड। और सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डावा डब्ल्यू ओवर डावा एक्स फाइंड करना है। तो एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब इसी को हम फाइंड करेंगे डावा डब्ल्यू ओवर विद वाई के रिस्पेक्ट से, तो वाई के रिस्पेक्ट से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जेड भी है, ठीक है, तो वैसे भी ये 2x सही हो गया। अब वाई के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, तो क्या होगा, ये वाई का होता है डेरिवेटिव 1, सर सिंपल हो जाएगा जेड, और ये जेड है यहाँ पे से, ये जो है जेड है यहाँ पे, ठीक है, तो सिंपल जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से डावा डब्ल्यू ओवर डावा जेड, जेड के हमारे पास जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा 1, यहाँ बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के डेरिवेटिव आ चुके हैं, डेरिवेटिव तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके होंगे तो क्या हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा था जेड, तो 1 जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड और एक्स हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गए, ठीक है। अभी 3 चीज़ें आ गई आपके पास, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो आपने क्या मालूम करना, डी एक्स ओवर डी टी डी वाई ओवर डी वाई डी टी और डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। अब ये भी आराम से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू आर
क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू आर एस कॉस टी, यही दिया हुआ है हमें, बिल्कुल यही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, काम करते हैं वाई को भी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास आर एस साइन टी और जेड की वैल्यू हमारे पास है आर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें इसका फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया, हमें मालूम करना है डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, ये होता है डावा ऐसे बना हुआ और ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है ठीक है। डी एक्स ओवर ये हो गया, अब हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो डी एक्स ओवर डी टी लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी एक्स ओवर डी टी, अब हम किससे फैसले लेंगे, टिकट एक्सप्रेस से, ठीक है। तो आर एस कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, ठीक है। तो कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। इस तरीके से क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर ये डी वाई ओवर डी डी टी, ठीक है। वाई का ये हो गया, डी टी क्या होता है आर एस, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस टी, बिल्कुल सही हो गया। अब जेड से रिस्पेक्ट से लेंगे, जेड का क्या होगा, डी जेड ओवर डी टी, ये हो गया डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। आर क्या कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं है, आगे होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी पूरी वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो आप चाहे तो इसको लिख लें, नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, तो देखें यही दिया हुआ था आपको, डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी, ठीक है। डावा डब्ल्यू ओवर डावा एक्स क्या हमारे पास, डावा डब्ल्यू ओवर एक्स टू एक्स, ठीक है। डी एक्स ओवर टी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई है, तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में माइनस आर एस साइन टी, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, डावा डब्ल्यू ओवर डावा वाई, डावा डब्ल्यू ओवर डावा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड, यहाँ पे लिख देंगे जेड, ठीक है। इसके बाद क्या है, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी क्या है हमारे पास, डी वाई ओवर डी टी हमारे पास आर एस कॉस टी, ठीक है। तो हम लिख देंगे आर एस कॉस टी, ठीक है। अब डावा डब्ल्यू ओवर डावा जेड के हमारे पास वो है वाई प्लस वाई, ठीक है। और इसके साथ के मल्टीप्लाई डी जेड ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी के हमारे पास ज़ीरो, यहाँ पर लिख देंगे हम ज़ीरो, ठीक है। वैल्यू होगी, आप क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे आपस में सॉल्व, सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखें ये हो जाएगा माइनस टू एक्स आर एस साइन टी, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, जेड आर एस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कहाँ से आएगा, डबल डब्ल्यू ओवर डबल टी, जो हमसे मंगा था, क्या मंगा था, फाइनल पार्ट है डावा ओवर डावा टी की वैल्यू हमारे पास जा गई, यहाँ पे हमारा हो गया पार्ट वन का आंसर, ठीक है। अब पार्ट टू में क्या बोल रहा है, पार्ट टू में वो ये बोल रहा है जो आपके पास वैल्यू है किसकी, डेरिवेटिव डावा ओवर डावा टी, ठीक है। जो आपके पास आंसर है उसमें आप उस पुट कर दो, आर की जगह टू, एस की जगह वन और टी की जगह ज़ीरो, तो आप देखें टू क्या है, डावा ओवर डावा टी, ठीक है। इसकी जगह वो क्या बोल रहे हैं हमसे, हम उसकी पहली वैल्यू लिख लेते हैं, आर टू है, एस वन है और टी ज़ीरो है, तो हम अगर यहाँ लिखते हैं आर टू है, एस वन है, टी ज़ीरो है, तो पूरी इस इक्वेशन को हम दोबारा में लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है टू, ठीक है, एक्स वाली यहाँ से कीजिए गलती ना हो, माइनस आर की जगह क्या मेरे पास टू, साइन टी की जगह क्या मेरे पास ज़ीरो, टी की जगह लिख दूंगा ज़ीरो, क्लोज। जेड क्या मेरे पास, जेड की जगह मेरे पास कुछ नहीं है, फिर आर की जगह क्या है टू, ठीक है, और एस की जगह क्या है वन, ये हो गया। और फिर कॉस टी की जगह क्या है ज़ीरो, ठीक है, और बचा क्या वाई ज़ीरो जैसा होता है ज़ीरो, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, फोर एक्स माइनस फोर एक्स, और आपको पता है कि साइन ज़ीरो कैलकुलेटर में क्या होता है, साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, तो यहाँ कर देंगे हम ये ज़ीरो प्लस, अब टू वन कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो होता है वन, टू वन ज़ा टू, टू जेड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, फोर माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो प्लस टू जेड, तो डावा डब्ल्यू ओवर डावा टी हमारे पास जो आ गया वो टू जेड आंसर है। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं टू जेड, और ये इसका आंसर,
तो इतना सा असाइनमेंट था, 100% करेक्ट है, तो उसको आप सबमिट करवा लें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।